बर्गर ये सब तो सबके फेवरेट होते हैं, तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी डोमिनोज स्टाइल पिज्जा पनीर बर्गर की रेसिपी, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल वे में आज हम इसे बना रहे हैं। इसे बनाना काफी आसान है। अगर आप आज की रेसिपी को पूरा देखते हैं तो आप भी बेहद आसान तरीके से इसे घर पर बना सकते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। आजकल तो सारे बच्चों को बाहर का फास्ट फूड ही खाना पसंद है, तो इस तरह से आप घर पर अपने बच्चों के लिए फास्ट फूड बना के उन्हें हेल्दी वे में खिला सकते हो। रेसिपी को बिना किसी फर्दर के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम का पनीर का टुकड़ा ले लिया है। आप इसे चिकन से बनाना चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर अब इसके हमें छोटे छोटे से पीसेस कट करने हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने पनीर के छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। इस तरह से आपको भी छोटे छोटे क्यूब्स करने हैं, ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं कीजिएगा। छोटे क्यूब्स में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है। अब एक बाउल में हम यहाँ पर एक स्पेशल सी डोमिनोज स्टाइल सॉस प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1/2 कप टमाटो केचप। इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आएगा और एक ऐसी सॉस तैयार होगी जिसे आप अगर चाहें तो किसी भी डिप की तरह यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मेयोनेज। इसके साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि बाकी सारे सॉसेज में काफ़ी अच्छे से सॉल्ट होता है, इसलिए बहुत ही कम सॉल्ट ऐड करना है। और सारी चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छी सी सॉस प्रिपेयर हो जाएगी, जैसे हमें डोमिनोज वगैरह में मिलती है बर्गर्स के ऊपर। इस तरह की हमारी जो सॉस है यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। अब काटे हुए पनीर के टुकड़े हम इस सॉस में ऐड करेंगे, और ये जो सॉस है ये पनीर को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। अच्छे से ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे पनीर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये सारा जो सॉस है वो पनीर के ऊपर कोट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप इसमें कोई वेजेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ इसे पनीर के साथ बना रही हूँ। आप अगर कैप्सिकम या फिर कैरेट कुछ भी ऐड करना चाहें तो इस स्टेज पर इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे जो आपकी पनीर की फिलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी और आप इससे काफ़ी सारे बर्गर बंस बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो रेगुलर बर्गर बंस आते हैं बस वही ले लिए हैं सिंपली। आप जानते हैं यहाँ पर जो 4 बंस मिलते हैं ये 30 रुपीज़ के मिल जाते हैं, तो बहुत ही कम कीमत में। और अगर आप मैकडोनल्ड से खरीदते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक बर्गर आपको 120 के अराउंड पड़ता है, तो इसलिए बहुत ही कम कीमत पे घर पर आप इसे बना सकते हो। तो ट्राई करिएगा एक बार ज़रूर, और रेसिपी को देखिएगा पूरा बिना स्किप किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। अब यहाँ पर मैंने बर्गर बंस को बीच से 2 हिस्सों में कट कर लिया है, और आप एक बन को 2 लोगों में सर्व कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसके ऊपर फिलिंग रखते हो तो ये काफ़ी हैवी हो जाता है, और 1 लोगों की सर्विंग के लिए ये 1/2 बन सफिशियंट होता है। मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज़ की एक हल्की सी लेयर लगा दी है, जिससे नीचे से भी आपको चीज़ी चीज़ी टेक्सचर मिलेगा जब आप खाएंगे, और ऊपर से भी। बीच में हम इसके ये पनीर वाली फिलिंग ऐड करेंगे, तो अच्छे से आपको इसके ऊपर पूरी पनीर वाली फिलिंग स्प्रेड कर देनी है। कोई और सॉस कुछ भी नहीं लगाना है। ये जो एक सॉस हमने प्रिपेयर किया है ये बहुत ही बेहतरीन है। इसे लगाने के बाद आपको किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप देख सकते हैं सारे बंस के ऊपर मैंने फिलिंग्स को अच्छी तरह से फैला लिया है। और अब आपको एक बड़ा पैन या फिर तवा ले लेना है, क्योंकि बंस काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आप एक साथ इसे इस तरह से सेकना चाहते हैं तो आप एक बड़ा पैन ले लें।
नहीं तो अगर आप एक से दो भी अगर करना चाहते हैं तो आप छोटे पैन या फिर तवे में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 टेबल स्पून बटर लेना है इसे सेकने के लिए। आप चाहें तो इसे एयर फ्राइड या फिर माइक्रोवेव भी कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, और ये 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही कम समय में ये जो हमारा बर्गर पिज्जा बने है ना, ये बन जाता है फ्रेंड्स। और खाने में मैं आपको क्या बताऊं, इतना डिलीशियस बनता है कि एक बार आप इसे ट्राई करोगे तो आप डेली नहीं तो वीकली तो इसे जरूर बनाओगे। ऊपर से मैंने अच्छे से फिर से खूब सारा चीज लगाया है, साथ ही चिली फ्लेक्स ऐड की है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। अब इसमें हम स्टीम के लिए 1 कटोरी में पानी रख देंगे, इससे चीज काफी अच्छे से मेल्ट होगा। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, बीच बीच में आप देखते रहिएगा धीमी आंच पर, नीचे से बंस लगने नहीं चाहिए। 5 मिनट बाद जब आप खोलेंगे तो देखिए लुक एट, हमारे जो पनीर पिज्जा बर्गर है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। पानी की वजह से जो चीज है वो काफी अच्छे से मेल्ट हुआ है, और देखिए हमारे जो पिज्जा बर्गर है यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे और निकाल के आप इसे सर्व करें। फ्रेंड्स आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। लुक एट द पिज्जा बर्गर, देख सकते हैं एकदम चीजी चीजी माउथ वाटरिंग हमारा जो पिज्जा बर्गर बने बन के तैयार हो चुका है, और मैं तो इसे सर्व करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म कोक के साथ, आप इसे एंजॉय कर सकते हो। और रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप देखें इसका टेक्सचर लुक वाइज कितना परफेक्ट बना है। फ्रेंड्स ये हाई रिकमेंड रेसिपी है, ट्राई करिएगा। और अब हम इसे सर्व करेंगे इसी तरह से। फ्रेंड्स पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी इसे ट्राई कीजिए। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।